Hello everyone, welcome to Receivers Institute. So today we are going to discuss coding decoding lecture 2. And aaj jo class hai iska naam hai new pattern coding. And this first of all ye new pattern coding to hai nahi. Bahut dinon se dikhai de raha hai is pattern ko. Ha newest pattern keh sakte ho, isse matlab naya pattern kuch aaya nahi. Theek hai? Now question kaisa rahe? फर्स्ट ऑब्जर्व इक्वेशन, एक क्वेश्चन देख लो. कल जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसा ही है. हाँ या ना? आई यू सी अंदर सेम क्वेश्चन है, मतलब पैटर्न सेम है क्या? हाँ या ना? देखने में कैसा लग रहा है? कल जैसा सोल्व किया था ऐसा ही लग रहा है. व्हाट अ थिंग इज दैट? क्वेश्चन देखो, E20 इज कोड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. E20 ये किसका कोड है? कॉमन, क्योक्स, फिलर, फ्लिक्स, नॉन ऑफ दिस. आंसर आ सकता है क्या? सी E20 यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? E20 कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं. इट मींस ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग नहीं है. दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग. यहाँ पर क्या क्या है? एक अल्फाबेट है, एक नंबर है. 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 ठीक है? नहीं. सो वी हैव टू डिकोड ईच अल्फाबेट एंड ईच नंबर. ठीक है? हाँ, अभी मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ. इन न्यू पैटर्न कोडिंग नोट्स बना लो. ठीक है? वर्ड्स तो वर्ड ही रहेगा. कोड लेटर हो सकता है, सिंबल हो सकता है. नंबर्स भी हो सकता है. ठीक है? लेटर सिंबल मिलकर भी एक कोड आ सकता है, बन सकता है. सिंबल नंबर मिलकर भी एक कोड बन सकता है. एंड लेटर सिंबल नंबर ये तीनों कॉम्बाइन होके भी एक कोड बन सकता है. नाउ हाउ वी विल डिकोड इट? हम लोग को ईच लेटर को डिकोड करना होगा. अगर सिर्फ लेटर है, अगर सिंबल है तो ईच सिंबल को डिकोड करना पड़ेगा. वी हैव टू डिकोड ईच सिंबल एंड वी हैव टू डिकोड ईच नंबर इंडिविजुअली. लेटर को इंडिविजुअली डिकोड करना पड़ेगा, सिंबल को भी इंडिविजुअली डिकोड करना पड़ेगा, नंबर को भी इंडिविजुअली डिकोड करना पड़ेगा. नाउ हाउ यू विल डिकोड इट? देयर आर लॉट्स ऑफ वेज. बहुत सारा है, मतलब अनडिफाइंड है. अगर मुझे कोई लॉजिक मिल रहा है, मैं उस लॉजिक को यूज करके क्वेश्चन सेट कर सकता हूँ. सिमिलरली तुम्हें कुछ लॉजिक मिल रहा है, उस लॉजिक को यूज करके क्वेश्चन सेट कर सकते हो. बट कुछ कॉमन लॉजिक है जिसके हेल्प लेकर हम लोग क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं. बट वो जितना अभी मैं लॉजिक बताऊंगा वही 100% नहीं है. ठीक है? वो 100% नहीं है. अभी नोट्स बना लेना. ठीक है? पॉसिबल लॉजिक फॉर लेटर्स. फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लास्ट लेटर को सेट करो. ठीक है? क्या क्या देखना पड़ेगा?
लेटर्स को डिकोड कर रहे हो तो ये सब देखना पड़ेगा। ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर को देखना ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर का ऑपोजिट लेटर। ठीक है, सेकेंड सेकेंड लास्ट लेटर सिमिलरली ऑपोजिट ऑफ सेकेंड सेकेंड लास्ट लेटर। ठीक है, उसके बाद देखो मिडिल लेटर। सी मिडिल लेटर कब देखोगे, व्हेन देयर इज ऑड नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। एक वर्ड में ऑड नंबर ऑफ लेटर्स होना चाहिए तभी मिडिल लेटर्स देख सकते हो। इवन नंबर्स ऑफ लेटर्स अगर है तो वहां पर मिडिल लेटर को देखना जरूरी नहीं, मतलब मिडिल लेटर निकाल ही नहीं सकते, मिडिल लेटर का ऑपोजिट भी देखना पड़ेगा, सिर्फ मिडिल लेटर देखने पे नहीं काम नहीं होगा। उसके बाद वाउएल, लेटर्स हैविंग हाईएस्ट लोएस्ट प्लेस वैल्यू, ठीक है, जिसका सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है उसको देखना पड़ सकता है, जिसका सबसे लोएस्ट प्लेस वैल्यू है उसको भी देखना पड़ सकता है। उसके बाद वाउएल्स हैविंग हाईएस्ट लोएस्ट प्लेस वैल्यू, उसके बाद और एक कॉन्सोनेंट हैविंग हाईएस्ट लोएस्ट प्लेस वैल्यू, यू हैव टू नोटिस दिस थिंग्स। ठीक है, नोट कर लिया। Please note it. There might be some student जिसको confusion हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले जो logic है, possible logic है, उसको मतलब अच्छे से copy में note बना लो। After that देखोगे जब मैं question solve कराऊंगा ना, तब वो automatically brain में set हो जाएगा। ये हो गया, can I erase it? Yes, sir. ठीक है, आई एम गोइंग टू erase, हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, नाउ पॉसिबल लॉजिक फॉर सिंबल्स। अगर सिंबल्स दिखाई दे रहा है, कोड में सिंबल्स दिखाई दे रहा है, तो क्या क्या सेट करना पड़ेगा? फर्स्ट लास्ट लेटर, फर्स्ट लास्ट लेटर को में क्या सेट करोगे, वेदर इट इज वाउएल कॉन्सोनेंट। अगर फर्स्ट लेटर वाउएल है तो कुछ सिंबल आ सकता है, लास्ट लेटर अगर वाउएल है तो वहां से कुछ लॉजिक बन सकता है सिंबल के लिए। फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है यहां से कुछ लॉजिक बन सकता है, लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है यहां से भी कुछ लॉजिक बन सकता है। नंबर ऑफ वाउएल इन द वर्ड, सिमिलरली नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। अभी नंबर ऑफ वाउएल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को कैसे देखोगे, ऑड इवन, ऑड इवन केसेस में और एक आ जाएगा नंबर ऑफ लेटर्स,
नंबर ऑफ वोवेल अगर ऑड है कुछ सिंबल्स आ सकता है, नंबर ऑफ वोवेल अगर इवन है तो कुछ सिंबल आ सकता है, नंबर ऑफ कंसोनेंट अगर ऑड है और कुछ सिंबल, नंबर ऑफ कंसोनेंट इवन है सिमिलर है, ठीक है ना। नंबर ऑफ लेटर्स, हाँ नंबर ऑफ लेटर्स प्लस माइनस सब कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है, ये हो गया। दिस आर द पॉसिबल लॉजिक फॉर सिंबल्स, ठीक है, दिस आर द पॉसिबल लॉजिक फॉर सिंबल्स। शुड आई रीड इट, पॉसिबल लॉजिक फॉर नंबर्स, ये सबसे आसान है, नंबर्स का लॉजिक सबसे आसान है, रैंक ऑफ फास्ट, रैंक मतलब प्लेस वैल्यू, हाँ फास्ट लास्ट लेटर, ओके रैंक मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ ऑपोजिट ऑफ फास्ट लास्ट लेटर नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट नंबर, नंबर ऑफ वोवेल्स प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट नंबर, नंबर ऑफ कंसोनेंट सिमिलरली प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। Sum of place value of letters, vowels, consonant, see यहां भी plus minus कुछ constant हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कॉन्स्टेंट मतलब सपोज रैंक ऑफ फर्स्ट लेटर इज सपोज 5, मतलब सपोज ई है, ई का रैंक क्या है 5 है, मतलब प्लेस वैल्यू 5 है, 5 माइनस 2 2 एक कॉन्स्टेंट नंबर है 3, ऐसा लॉजिक हो सकता है, ठीक है, डन। कुमार, why you are so late, कोई बात नहीं, no, ये देखो क्वेश्चन क्या है, यहां से यहां तक क्या गिवन है पता है, यहां से यहां तक लॉजिक, बट वो इन ए कोडिंग फॉर्म में हम लोग को डिकोड करना है, नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया, ओके कोई बात नहीं, अभी से ध्यान से सुनो, ठीक है ना, यहाँ पर क्या क्या है, लेटर एंड नंबर, लेटर एंड नंबर, यहाँ पर क्या है सिर्फ लेटर्स एंड नंबर है, तो लॉजिक फॉर लेटर्स कुछ अलग होगा एंड लॉजिक फॉर नंबर कुछ अलग होगा, ठीक है ना। लॉजिक फॉर लेटर्स कुछ अलग होगा, लॉजिक फॉर नंबर कुछ अलग होगा। ना देखो पहले क्या, कौन सा देखोगे, नंबर को ही देख लो पहले, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 19 है, क्या क्या देखना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर,
आर का तो 18 है, ओके यहाँ पर 19 है, 18 प्लस 1 19 हो सकता है। एम का 13 है, ए का तो 13 नहीं है, यहाँ पर ए का 1 है, वाई का 26 है, 1 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, बी का 22 है, 22 नहीं है, एस का 19 है, यहाँ पर 19 दिखाई दे रहा है, बट थिंग इज दैट बाकी सब में यहाँ पर भी नहीं मिला लास्ट लेटर से, यहाँ पर भी नहीं मिला लास्ट लेटर से, ए का 1 एल का 12। अभी कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। उसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा, सेकेंड लेटर सेकेंड लास्ट लेटर, देखो सेकेंड लेटर सेकेंड लास्ट लेटर चेक किया, फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर को यूज करके प्लस माइनस करने से भी कुछ आया नहीं, सेकेंड लेटर एंड सेकेंड लास्ट लेटर, सेकेंड लेटर ए, ए का प्लेस वैल्यू 1 प्लस 1 2 आ रहा है, ठीक है। अभी देखो ओ को देखो एक बार, ओ का क्या है, ओ का कितना 15, 15 है, यहाँ पर 16 है, एक प्लस 1 करके आ सकता है, और चेक करना पड़ेगा, ये 14 है, एन 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 का प्लेस वैल्यू 14, एन का प्लेस वैल्यू 14, 14 प्लस 1 माइनस कुछ प्लस 2 करने से 16 आ सकता है। अभी देखो कुछ मिल रहा है मुझे, आर कितना 18, 18 प्लस 1 19, अभी मैं यहाँ पर फिर से चेक करूंगा सेकेंड लास्ट लेटर ई, ई कितना, ई का प्लेस वैल्यू 5, 5 प्लस 1 6, ए, ए का आ गया प्लेस वैल्यू 1, 2 आ गया। अभी चेक करो यहाँ पर सी है, सी का प्लेस वैल्यू 3, यहाँ कहीं 4 है क्या, हाँ है, यहाँ पर आर, आर का प्लेस वैल्यू 18, 19 है क्या, हाँ है, ए सेकेंड लास्ट लेटर तो ए ही होगा, ए प्लस 1 2 है, हाँ है, डब्ल्यू कितना 23, 23 प्लस 1 प्लेस वैल्यू, सॉरी लॉजिक फॉर नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड लास्ट लेटर प्लस 1, ठीक है ना, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। हाँ ये जो न्यू कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लॉजिक फॉर लेटर्स, सी अभी मुझे कुछ पता चल गया, ये जो एल टू है ये अल्फाबेट का है, उसके बाद ये जो E19 है ये एंग्री का है, ये जो F6 है ये किसका है, वैल्यूज का है, ये F जो 16 है ये किसका है, 16 इसका है, ट्राई टू फाइंड इट, कुछ देखो यहां पर ए एन जो था इसका बी टू, क्या क्या हो सकता है, आइदर ए प्लस 1 तब बी आएगा, ए का नेक्स्ट लेटर बी, और यहां पर दो अल्फाबेट है, B का प्लेस वैल्यू भी 2 है, देखते हैं। सी ये जो सेकेंड लाइन से, सेकेंड लाइन से यहां से मैं कुछ मुझे दिखाई दिया, ये जो बॉल है W का 23 आ गया था, 23 प्लस 1 24, लॉजिक फॉर नंबर, नंबर का लॉजिक यूज करके मुझे यह पता चल गया कि बॉल का जो कोड है वो D24 है, यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स 4 D है, और कुछ चेक कर लेते हैं।
ठीक है। एल टू आया था, एल का प्लेस वैल्यू कितना 12, यहाँ पर 12 लेटर्स है कि नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स तो मुझे मिल गया। और चेक करना चाहते हो, E19 आर आर का प्लेस वैल्यू 18 18 प्लस 1 19, एंग्री का जो कोड है वो E19 है। देखो E का प्लेस वैल्यू 5 है, एंग्री में कितना लेटर्स है 1 2 3 4 5, सो नम अल्फा लेटर्स हैविंग प्लेस वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, क्लियर। जो भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसका जो भी लॉजिक मिलेगा वो लॉजिक लिख कर जाना, तब जब रिवाइज करोगे उस लॉजिक को याद रखोगे, मतलब क्लियर। अभी ये बताओ E20 इज द कोड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सी E20 E क्या है, लेटर है, लॉजिक फॉर लेटर्स क्या था, लेटर्स हैविंग प्लेस वैल्यू नंबर ऑफ लेटर्स, E का प्लेस वैल्यू 5, मतलब जो भी होगा इस कोड का वर्ड जो भी होगा, ये जिसका भी कोड होगा उसमें कितना लेटर्स होना चाहिए 5। नाउ 20 कैसे आया था, लॉजिक फॉर नंबर प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड लास्ट लेटर प्लस 1, लॉजिक फॉर नंबर, मतलब 20 कैसे आ रहा है 19 प्लस 1, 19 किसका प्लेस वैल्यू है S का, मतलब मुझे 5 लेटर्स चाहिए, 5 लेटर्स का एक वर्ड चाहिए एंड उस वर्ड का सेकेंड लास्ट लेटर S होना चाहिए। देखो यहाँ पर तो 6 लेटर्स है, ये खत्म, ये 5 लेटर्स हो सकता है, ये भी 6 लेटर खत्म, ये भी 6 लेटर खत्म, इसको देखो 19 किसका प्लेस वैल्यू था S, सेकेंड लास्ट लेटर क्या है S है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। कुछ कुछ समझ में आया, 20% समझ में आया, यस और नो, यस सर, बाकी सबका 20% यू कैन कमेंट इट, 20% समझ में आया, कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, इसी क्वेश्चन के लिए 20% काफी है, नेक्स्ट के लिए कितना होगा, नेक्स्ट में 25% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 35%, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहां पर दो लेटर है एंड एक नंबर है, क्या क्या नोटिस करना पड़ेगा, अभी जब मैं नंबर्स को देखा, क्या देखा नंबर्स में, सारा का सारा नंबर्स स्क्वायर नंबर, सारा का सारा नंबर्स क्या है स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब देखो 25 25 16 36 4 64 16 36, ऐसे देखना पड़ेगा। यहाँ पर लॉजिक फॉर फर्स्ट लेटर, उसके बाद लॉजिक फॉर नंबर, लॉजिक फॉर सेकेंड लेटर, ट्राई टू फाइंड इट, पहले नंबर का लॉजिक निकालो, आंसर आ गया सी, नंबर का लॉजिक बताओ, लॉजिक फॉर नंबर, नंबर का लॉजिक बताओ,
नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स होना चाहिए ना। लॉजिक फॉर नंबर, स्क्वायर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। देखो यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स 36, मतलब ये लार्सन जो वर्ड है इसका कोड 36 होगा, मतलब बी 36 पी होगा। उसके बाद पिंक, यहां पर 4 है, नंबर ऑफ लेटर्स 4, 16 यहां इसमें होगा। यहां पर 5 है, यहां पर भी 5, तो इन दोनों का कोड Either S25E or S25F होगा, ठीक। Now यहाँ पर देखो pack number of letters 4, 16 कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पर देखो number of letters 6, 36 कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पर देखो number of letters 2, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पर देखो number of letters 8, 64 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। So लॉजिक फॉर नंबर क्लियर, क्लियर, एनी डाउट? नाउ लॉजिक फॉर फर्स्ट लेटर, ये एस, इन दोनों को मैं सेक नहीं करूंगा। 16 किसका था, 4 पिंक का था। ये जे है, आई प्लस वन जे मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ बी 36 पी, 36 ये था 6 वाला, लार्सन में 6 लेटर्स है इसीलिए 36। ए प्लस वन बी, यहाँ पर बी है, और कहीं चेक कर लेते, ये हॉस्पिटल वालों में चेक कर लेते। 64, यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स 8, तो 64 यही होगा। सो ओ, ओ प्लस वन पी, तो लॉजिक फॉर फर्स्ट लेटर क्या है, सेकेंड लेटर प्लस वन। देखो ए, ए प्लस वन बी आएगा, हाँ ये बी है। ए का प्लेस वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, तो ये बी का प्लेस वैल्यू 2 है, ठीक है ना। यहां पर भी फॉलो हो रहा है, देखो आर, आर प्लस 1 एस, आर के बाद एस आता है, ये एस है, ठीक है। अभी मैं यहां से इन दोनों, दोनों से, दोनों का मतलब यहां से यहां तो कॉमन है, यहां से यहां भी कॉमन है, सिर्फ ये वाला लेटर एंड ये वाला लेटर अलग है। आई विल ट्राई टू फाइंड और डिकोड द लास्ट लेटर फ्रॉम दिस टू वर्ड। रीसेट करना होगा, बाकी में मतलब टेस्ट करना होगा। आई हैव टू टेस्ट इट, सिर्फ ये दोनों से मतलब हेल्प लूंगा, वेरीफाई तो कहीं से मैं करूंगा, ठीक है ना। क्या क्या ई एन एफ है, ई एन एफ, हाँ ई प्लस वन एफ ये हो सकता है, एंड डी प्लस वन ई, ठीक है। ई प्लस वन एफ, डी प्लस वन ई, कहाँ सेक करूं, ये प्रोसेस में सेक कर लेते हैं। S प्लस वन टी होना चाहिए, यहाँ पर T है, ठीक है, T है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये T है। अभी लॉजिक फॉर फर्स्ट लेटर भी एक बार चेक कर लेते हैं। R प्लस वन S, यहाँ पर S है, यहाँ पर 49 है, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर 7 है, हाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, सो लॉजिक सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड लास्ट लेटर प्लस वन, ठीक है। नाउ हाउ इज द फ्रेज ग्रीन फ्रूट्स कोडेड, ग्रीन फ्रूट्स, लॉजिक फॉर फर्स्ट लेटर,
सेकेंड लेटर प्लस वन आर प्लस वन एस, एस तो सिर्फ यहीं पर है सी, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, इसीलिए एक बार सेट कर लो, ठीक है ना, एस तो यहीं पर है, हाँ यहाँ पर भी एस है, थोड़ा रुक जाओ, यहाँ पर भी एस है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद लॉजिक फॉर नंबर ऑफ, लॉजिक फॉर नंबर स्क्वायर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, फाइव है, तो ये क्या है, 25 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 25। उसके बाद देखो, उसके बाद लॉजिक फॉर लास्ट लेटर, सॉरी हाँ लॉजिक फॉर सेकेंड लेटर, हाँ सेकेंड लास्ट लेटर प्लस वन, ई प्लस वन एफ, ये हो गया, ठीक है ना, ये तो नहीं हुआ, ये सेटिस्फाई हो गया। अभी फ्रूट्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं, आर प्लस वन एस, हाँ यहाँ पर एस है, उसके बाद टी प्लस वन यू, यहाँ पर यू है, या टोटल लेटर सिक्स है क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हाँ ये 36 आ गया यहाँ से, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है क्लियर। अभी 25% समझ में आया, हाँ या ना, 25%, वही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ग्रीड बिल्कुल नहीं करना, यहां पर क्या है, सिंबल से, नंबर से एंड लेटर से, सिंबल्स नंबर लेटर, रेगुलेटरी बॉडी का जो एग्जाम होता है फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, यहां पर प्री में ये सब आता है, ठीक है ना, मतलब बाकी सब का जो मेंस में आता है, रेगुलेटरी बॉडी का जो भी पेपर होता है वहां पर वो सब प्री में आता है। यहाँ पर नंबर से, ठीक है, उसके बाद सिंबल भी है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है, ये भी एक है, फाइव सिंबल्स आर देयर ना, और है क्या, फाइव ही है, फाइव सिंबल्स आर देयर, तो सिंबल्स के लिए थोड़ा रुक जाओ, सिंबल्स के लिए रुको,
सिंबल्स के लिए थोड़ा रुक जाओ, अभी नंबर्स को देखो। नंबर्स कैसे कैसे आ सकते हैं? प्लेस वैल्यू, नंबर्स प्लेस वैल्यू से आ सकते हैं, नहीं तो नंबर ऑफ लेटर्स कॉन्सोनेंट एंड वावेल वहां से आ सकते हैं। प्लेस वैल्यू, फर्स्ट प्लेस वैल्यू एम, एम का प्लेस वैल्यू 13, 13 के आसपास कुछ नंबर है कि हाँ 14 भी है 15 भी है, ठीक है। और रुक जाओ, नीड, नीडेड, एन का प्लेस वैल्यू 14, हाँ 15, मतलब ये एम का प्लेस वैल्यू 14 हो सकता है, एन का सॉरी एम 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 से कुछ कोड आ सकता है वो क्या है 14, एम का प्लेस वैल्यू 13, 13 प्लस 1 14, उसके बाद एन से 15 आ सकता है, मतलब एन का प्लेस वैल्यू 14, 14 प्लस 1 15 आ सकता है, अभी तक सीओ नहीं है। एच का कितना 8, G7 H8, 8 प्लस 1 9 आ सकता है, हाँ ये है 9, उसके बाद देखो R 18, 18 प्लस 1 19, हाँ हो सकता है, हो सकता है, और चेक कर लो, हाँ ये लास्ट लाइन चेक कर लेता हूँ। D का 4 5 है क्या, हाँ है। Q का कितना 17, Q का प्लेस वैल्यू 17, 18 है क्या, हाँ है। S का प्लेस वैल्यू कितना 19, 20 है क्या, हाँ है। R का प्लेस वैल्यू 18, 19 है क्या, हाँ है। सो मैं नंबर का नंबर नहीं, हाँ नंबर प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर प्लस 1, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर प्लस 1, ठीक है ना। कोमल सिंबल्स का कोड बताओ ना, लेटर में आ जाओ, ये 14 कहां से आ गया था, 14 एम से आ गया था, एम का प्लेस वैल्यू 13 था, 14 आया था। अभी देखो जी कहां से आ सकता है, एच माइनस 1 जी हो सकता है, एच माइनस 1, ठीक है। उसके बाद ये किसका था, ये 15 एम्फासिस सी था, सो डी माइनस 1 सी हो सकता है, हाँ है यहाँ पर सी। उसके बाद देखो एस माइनस 1 आर, एस 19, 19 माइनस 1 18, 18 किसका प्लेस वैल्यू आर का। उसके बाद देखो ये तो सी, हाँ सी कहाँ से आ रहा है, हाँ ये रिक्वायर्ड का देखो सी यहां से आ रहा है। सो लेटर का भी कोड आ गया, लास्ट लेटर, हाँ लास्ट लेटर माइनस 1, ठीक है। और कहीं से चेक कर लो, ई माइनस 1 डी, यहाँ पर डी है देखो। उसके बाद जेड माइनस 1 वाई है देखो यहाँ पर, और यहाँ पर भी देख लो वाई माइनस 1 एक्स, यहाँ पर एक्स है देखो। और कहीं चेक कर लेते हो, यहाँ पर देख लो y माइनस 1 x, यहाँ पर भी x, ठीक है। सो सिंबल्स को अभी देखना पड़ेगा, देयर आर 5 सिंबल्स, हर सिंबल्स के लिए अलग अलग लॉजिक हो सकता है, देखते हैं। ये मार्च का एट द रेट और किसका है, एट यहाँ पर है, और एट कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो ये 13 किसका था, ये था लेजी का, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर प्लस 1, एल प्लस 1, एल का प्लेस वैल्यू 12, 12 प्लस 1 13, उसके बाद लास्ट लेटर माइनस 1 वाई माइनस 1 एक्स, और कहाँ पर था ये 18 वाई माइनस 1 जेड, ये सर क्विज में z माइनस 1 y, q का 17, 17 प्लस 1 18। तो मैं क्या कहना सही होगा कि मुझे एट द रेट, जब नंबर ऑफ लेटर्स 4 है तब मैं एट द रेट सिंबल लिख सकता हूँ, हाँ या ना, हो सकता है, अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, बाकी सब चेक करना पड़ेगा। अभी मैं क्या चेक करूंगा,
परसेंटेज, परसेंटेज कहाँ पर है, परसेंटेज यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है परसेंटेज, और कहाँ पर, यहाँ भी है परसेंटेज, यहाँ भी है। अभी सर नाइन, नाइन किसका था, ये वाला हेल्प्स, एच एट, एट प्लस वन नाइन, एस माइनस वन आर, ठीक है। और 21 परसेंटेज आर, 21 किसका था, ये टेस्ट, टी ट्वेंटी, टी प्लस सॉरी 20 प्लस वन 21, उसके बाद एस माइनस वन आर, ये हो सकता है। और कहां पर, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, एट एट जी सेवन एच एट, ये वाला यहां से आ रहा है, यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स फाइव, देखो फाइव फाइव आ रहा है। और इसको भी चेक कर लो, एक्स 21 परसेंटेज एक्स, हाँ ये देखो नंबर ऑफ लेटर्स फाइव। और कहाँ चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स 19 आर 18, हाँ ये रेडी का कोड 19 परसेंटेज एक्स था, परसेंटेज में फाइव। सो परसेंटेज कब आएगा, जब नंबर ऑफ लेटर्स फाइव होगा, क्लियर। क्वेश्चन अच्छा था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद चेक कर लो, और क्या चेक करोगे, डॉलर, डॉलर कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहाँ पर है डॉलर, डॉलर तो कहीं नहीं है, 19 डॉलर सी, ये किसका था, ये वाला रिक्वायर्ड का। यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं पर एट है क्या, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। सो मैं अभी इसके लिए लिख देता हूँ, डॉलर कब आएगा, जब नंबर ऑफ लेटर्स एट, ठीक है। उसके बाद और क्या रह गया, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी यहाँ पर है, और कहाँ पर है एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पर है। फोर कहाँ से आया, क्लाइमेट से, सी प्लस वन डी, डी का प्लेस वैल्यू फोर। उसके बाद यहाँ पर फाइव कहाँ से आया, ये डिक्लाइन से। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर सेवन, एक्सक्लेमेटरी कब आएगा, जब नंबर ऑफ लेटर सेवन। और कोई सिंबल्स रह गया क्या, एट द रेट, परसेंटेज, डॉलर, एक्सक्लेमेटरी, एम्फोसेन रह गया, एम्फोसेन, ये बोला, ये एम्फोसेन, ये 15 कहां से आ गया था, नीडेड, नंबर ऑफ लेटर 6। 24 कहां से आ गया था, वर्कर, नंबर ऑफ लेटर 6। उसके बाद 2 कहां से आया था, अवार्ड्स, देखो नंबर ऑफ लेटर 6। उसके बाद यहां पर भी है एम्फोसेन। 20 कहां से आया था, ये स्टेडी, नंबर ऑफ लेटर्स 6, ठीक है ना। नाउ हाउ विल ट्रेन लेफ्ट स्टेशन बी कोडेड एज, अभी ट्रेन लेफ्ट स्टेशन को कैसे कोड करोगे, ट्रेन, देखो ट्रेन, नंबर कैसे आया था, नंबर प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर प्लस वन, टी का प्लेस वैल्यू कितना, 20, 20 प्लस वन 21। उसके बाद सिंबल कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना, 5, 5 होगा तो क्या होगा, परसेंटेज, ठीक है ना। नाउ लेटर कैसे आएगा, लास्ट लेटर माइनस वन, एन माइनस वन कितना, एम, ट्रेन का कोड ये हो गया, 21 परसेंटेज एम। अभी लेफ्ट, नंबर कैसे आएगा, नंबर प्लेस बिलो फर्स्ट लेटर प्लस वन, एल का 12, 12 प्लस वन कितना, 13 होगा। नंबर ऑफ लेटर्स 4, 4 आएगा तो क्या होगा, एट द रेट। उसके बाद लास्ट लेटर माइनस वन, टी माइनस वन, एस। अब आंसर बताओ, नाउ स्टेशन को देखो, अभी
नंबर ऑफ सॉरी प्लेस वैल्यू फर्स्ट लेटर माइन प्लस वन, एस का प्लेस वैल्यू 19 प्लस वन 20, नंबर ऑफ लेटर चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगा तो एक्सक्लेमेटरी आएगा, उसके बाद लेटर कैसे आएगा लास्ट लेटर माइनस वन एन माइनस वन एम, तो व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या होगा 21% इज एम, कहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है, 13@s, हाँ ये सी 20 एक्सक्लेमेटरी एम। नोट द लॉजिक, लॉजिक नोट करके जाना ठीक है, अभी जो भी नया लॉजिक मिल रहा है अभी तो नया ही है सब कुछ, नोट करके जाओ, एक दिन ऐसा आएगा वो सब लॉजिक रिपीट होगा, उस दिन लिखना बंद कर दो। कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पर कुछ नया लॉजिक दिखाई दे रहा है उसको वहां पर लिख दो, ऐसे चलेगा ठीक है। ट्राई दिस, यहां पर सिर्फ लेटर्स है एंड सिंबल्स, सिंबल्स कितना सिंबल्स है 1 2 3, तीन सिंबल है। लेटर्स का लॉजिक, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, जी जी से कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, टी टी से कुछ, एंड जी टी दोनों का ऑपोजिट लेटर है, जी का ऑपोजिट टी, टी का ऑपोजिट जी, ऑपोजिट लेटर तो डेफिनेटली हम लोग चेक नहीं करेंगे, फर्स्ट लेटर से कुछ आया नहीं, डब्ल्यू से कुछ आ रहा है क्या, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एम M N O P P तो है, W से तो कुछ नहीं आ रहा है, P P है यहाँ पर, बाकी सबका फर्स्ट लेटर से आया है, कुछ कुछ भी नहीं आया। सेकेंड लेटर चेक करो U, U के इमीडिएट पास V है, A के बाद V है, I के नेक्स्ट लेटर J, U का नेक्स्ट लेटर P, और चेक कर लेते हैं, रीचेक वेरीफाई कर लेते हैं, ई प्लस वन एफ है, हाँ यहाँ पर है, और कहाँ चेक कर लेते हैं, रेनी, ए प्लस वन बी है, हाँ है, और स्मूथ को चेक कर लेते हैं, एम प्लस वन एन है, हाँ है, सो मैं क्या ये कह सकता हूँ, सेकेंड लेटर प्लस वन, सेकेंड वर्ड नहीं है सिलोसी, ये एक एक लेटर है, ये पूरा मिलकर एक वर्ड बन रहा है, एस एक लेटर है, एम एक लेटर है, ओ एक लेटर है, ओ एक लेटर है, टी एक लेटर है, एच एक लेटर है, हाँ सी हाँ, ये छोटा छोटा मिस्टेक है, बट समटाइम्स स्मॉल मिस्टेक कैन रुइन योर लाइफ, मुझे समझ में आ रहा है, तुम लेटर ही मीन कर रहे हो, लिख रहे हो वर्ड, बट आई नो दैट यू आर यू मीन लेटर, बट द थिंग इज दैट वो गलत है तो गलत है,
ट्वाइस मिस्टेक, हाँ वो हैबिट चेंज करो। अभी सिंबल्स को देखो, सिंबल्स कितना है, एट द रेट डॉलर हैज, तीन सिंबल्स है। ये तो समझ में आ गया कि गुजरात का ये है। अभी एट द रेट को सेक कर लेते हैं, सिफा पी किस कहां से आया था, ये फाउंडर से आया था पी, ये भी एट द रेट है। एस कहां से आया, सेकंड एटर प्लस वन प्रिटेन से आया था, और कहां पर एट द रेट है, यहां पर है। एफ कहां से आ सकता है, एफ दो लेटर से आ सकता है, हाँ यहां से एट द रेट का आराम से निकाल सकते हो। एफ कहां से आ सकता है, एफ पेन से आ सकते हैं, नहीं तो सीजन से, ठीक है, ये वाला एफ यहां से आ सकता है। अभी देखो कॉमन क्या है, गुजरात फाउंडर प्रिटेन सीजन या पेन, इन सब में कॉमन क्या है। नंबर ऑफ लेटर चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी 7, यहां पर भी 7, बट यहां पर सी, यहां पर भी 7, यहां पर भी 7, यहां पर भी 7, यहां पर 6 हो गया, यहां पर 3 हो गया, इट मींस टोटल नंबर ऑफ लेटर्स से तो काम नहीं चल रहा है। उसके बाद क्या चेक करो, नंबर ऑफ वोवेल्स, यहां पर नंबर ऑफ वोवेल्स कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ वोवेल्स 3, यहां पर भी नंबर ऑफ वोवेल्स 3, यहां पर नंबर ऑफ वोवेल्स ओनली 2, ठीक है, यहां पर भी 3, यहां पर 1, सब नंबर ऑफ वोवेल्स से काम नहीं चल रहा है। और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ कंसोनेंट एक बार चेक करके देखो, ये तो ऑरेंज जो वर्ड था, यहां पर भी तो एस आ रहा है, तो यहां पर 1 2 3, यहां पर 3 है। सो अभी के लिए मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ वोवेल्स 3 जब होगा एट द रेट हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना, अभी के लिए मैं मान लेता हूं, गलत भी हो सकता है। उसके बाद किसको सेट करोगे, डॉलर, हाँ अभी डॉलर को सेट करो, ये प्रिटेंड, अगर प्रिटेंड डॉलर का आ गया तब सही हो जाएगा। ये डॉलर, यहाँ पर डॉलर, तीनों डॉलर है, यहाँ पर भी एक डॉलर है, ठीक है। अभी देखो डॉलर जे, जे कहाँ से आया था, पिकनिक, नंबर ऑफ वोवेल्स 2, प्रिटेंड में भी नंबर ऑफ वोवेल्स 2 आया था, यहाँ पर 3 डॉलर है, ठीक है ना, नंबर ऑफ वोवेल्स 2, नंबर ऑफ वोवेल्स 2, यहां पर भी नंबर ऑफ वोवेल्स 2, सो आ गया डॉलर का नंबर ऑफ वोवेल्स 2। अभी हैज देखो, यहां पर भी देखो नंबर ऑफ वोवेल्स 2, नंबर ऑफ वोवेल्स 2। अभी ये पेन हैज कहां पर है, और एक हैज यहां पर है, वार्म, देखो नंबर ऑफ वोवेल्स 1, हैज कहां पर है, यहां पर नंबर ऑफ वोवेल्स 1, ठीक है। तो आंसर बताओ, क्वेश्चन 4 का आंसर बताओ, व्हिच वर्ड कैन बी कोडेड एट एफ डॉलर, सी, एफ मतलब सेकंड लेटर क्या चाहिए, ई चाहिए, ई प्लस 1 एफ, सेकंड लेटर प्लस 1, ई प्लस 1 एफ, तो ई यहां पर है एन ई यहां पर भी है। नाउ डॉलर कहां से आएगा, नंबर ऑफ वोवेल्स 2, सिटिंग में नंबर ऑफ वोवेल्स 3 है, तो ये नहीं होगा, यहां पर नंबर ऑफ वोवेल्स 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है ना। सो कल हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन भी हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो आज के लिए हो जाएगा, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, तो आज के लिए हो जाएगा, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।